बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अब हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर्स के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट। फोर आइडेंटिकल मनी बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉइंस एंड नो कॉइन ऑफ अदर टाइप्स। द इंफॉर्मेशन ऑन द कम्बाइंड वेट्स इज गिवन। में इस दोनों के वेरिएबल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो में गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ कॉइंस इन बॉक्स वो कितने हैं? वो 10 है। उनको एक्सेल डिनोट करें, 10, 20, 30, 40। कम्बाइंड वेट ऑफ कॉइंस एंड बॉक्स जो है वो उसको वाई से डिनोट कर रहे हैं, और वो क्या है? 312509682865। Estimate the regression line Bionex estimate from your regression line। आपने जो है वो Bionex regression line निकालनी है, और इसके अलावा आपने इस line से estimate क्या करना है मजीद? आपने estimate करना है weight of an empty box। यानी weight of an empty box का मतलब है कि आपने जो है वो यहाँ पर वैल्यू जो वेरिएबल की है वो जीरो पुट करनी है। फिर इसके बाद द मेन वेट ऑफ अ सिंगल कॉइन, फिर जो है वो आपने सिंगल कॉइन का जो है वो मेन वेट निकालना है, और उस मेन वेट से जो है वो आपने क्या करना है? आपने अपनी रिग्रेशन लाइन को एस्टीमेट करना है। देन आपने जो है वो मेन पॉइंट्स निकालने हैं एक्स एंड वाई के, जिस जहाँ से रिग्रेशन लाइन जो है वो पास कर रही है। तो देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करना है। रिग्रेशन लाइन Bionex का फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। y cap is equal to a Bionex plus b Bionex into x। b Bionex का फॉर्मूला is equal है आपके पास n summation x y minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x का whole square। a Bionex is equal होगा y bar minus b Bionex into x bar। x bar और y bar का फॉर्मूला भी आपके सामने है, summation x over n and summation y over। नेक्स्ट देखें जी, डाटा के ऊपर हम कैलकुलेशंस कर लेंगे जो कैलकुलेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं। x और y का कॉलम तो हमें गिवन है, हमें x y का सम चाहिए और x square का सम चाहिए। तो x y का सम करने के लिए हम क्या करेंगे? x को y के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 10 into 320 आ जाएगा। फिर 20 इंटू 509, देन 30 इंटू 682, देन 40 इंटू 865। तो ये सारी मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर्स आ जाएंगे। देन आपको चाहिए x का स्केयर, तो आप x की जितने भी वैल्यूज हैं उनका स्केयर करते जाएंगे। 10 का स्केयर 100, 20 का स्केयर 400, देन 30 का स्केयर, देन 40 का स्केयर। तो ये सारे स्केयर्स करके आंसर आ जाएंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास ये सारे सम आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास फॉर्मूले में ये तमाम सम हम पुट करेंगे। तमाम सम्स को फॉर्मूले के अंदर पुट करने से हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें मिल गया। बी Bionex वो क्या है? 36640 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 18.32। देन हमने जो है वो एक्स बार और वाई बार को कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें ए Bionex से ये इंटरसेप्ट चाहिए। तो इसके लिए 100 ओवर 4 इज इक्वल टू 25। y बार किसके इक्वल आ गया? एस्टीमेशन y ओवर n इज इक्वल टू 2368 डिवाइडेड बाय 4, यानी 592। अब ये जो आंसर्स आए हैं हमारे, इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। 592 माइनस b का आंसर है 18.32, देन जो है वो x बार का आंसर है 25। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर बन गया 134। अब ये जो इंटरसेप्ट आया है और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसको हम फॉर्मूले के अंदर जो रिग्रेशन लाइन है उसके अंदर हम लिखेंगे। तो रिग्रेशन लाइन फाइनली हमारे पास क्या आ गई? y cap is equal to 134 plus 18.32 x। अब उसने हमें कुछ एस्टीमेट्स कहा था कि इस रिग्रेशन लाइन से हमने कुछ एस्टीमेट्स करने हैं। नंबर वन, हमने जो है वो क्या करना है? वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, यानी एक्स की वैल्यू जीरो को पुट करते हुए हमने क्या करना है? y cap को एस्टीमेट करना है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टीमेट करना है। तो उसके लिए क्या है कि इस रिग्रेशन लाइन के अंदर हम क्या करेंगे? जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? जीरो। तो x की वैल्यू पुट करने से जो है वो स्लोप ऑफ
रिग्रेशन लाइन वाला पोर्शन वो सारे का सारा जीरो हो जाएगा और देन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, इंटरसेप्ट रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई कैप हमारे पास जो एस्टिमेट हुआ है वो कितना है 134। देन आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट सेकेंडली उसने आपसे कहा था जी कि आपने मेन वेट ऑफ सिंगल कॉइन निकालना है, सिंगल कॉइन का मेन वेट निकालना है, आपने वो पॉइंट निकालना है जहाँ से रिग्रेशन लाइन पे वो पास कर रही है, लाजमी पास करती है। तो वी नो दैट रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार वाई बार, देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो क्या है 25 और 592 हैं। एक्स बार हमारे पास हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो 25 है, वाई बार हमारे पास 592 है। तो ये वो मेन पॉइंट है जहां से रिग्रेशन लाइन जो है वो पास करती है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा और आप पिछले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे तो और अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।